मैं आप सबके भी उन्हें उपस्थित हूँ व्याकरण के विशेषण टॉपिक को लेकर के। विशेषण जो टॉपिक अपना व्याकरण का चल रहा था, इसमें हमने पिछली वीडियो में विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, प्रविशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन किया था। तो विशेषण के हमने पांच भेदों के बारे में अध्ययन किया था। उनमें से पहला था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले वे सब जो संज्ञा और विशेषता बताएंगे, तो वहां संज्ञा और सर्वनाम दोनों शब्द आएंगे। संज्ञा और वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम की और सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आकार संज्ञा और सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा आदि वे शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा आदि की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द और देखो विशेषता तो किन किन के बतलाई जाएगी, संज्ञा और सर्वनाम की बतलाई जाएगी, और वो विशेषता कैसी होनी चाहिए, गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा ये आदि से संबंधित यदि कोई विशेषता बतलाई जा रही है तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसलिए जो ये परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की गुण दोष रूप रंग आकार स्वभाव दशा आदि का बोध कराते हैं, क्या कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा काला लाल हरा बड़ा छोटा छोटा विनम्र आदि, ये आदि जो शब्द है ये क्या है, विशेषण शब्द है जो शब्दों की गुण संबंधी विशेषता बतलाते हैं। भाई व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, कैसा है, काला है, मिर्च कैसी है, लाल है, मिर्च कैसी है, हरी है, व्यक्ति कैसा है, बड़ा है, कोई छोटा है, विनम्र स्वभाव कैसा है, यहाँ स्वभाव को बता
तो इस प्रकार ये जो शब्द है इनका जो प्रयोग हुआ है वो गुणवाची विशेषण के अंतर्गत होता है। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सारे जो विशेषण शब्द है वो क्या है? गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इनको मैं वाक्य के रूप में प्रयोग करके आपको बताता हूं। बादाम कड़वा कैसा है? कड़वा है, तो कड़वा क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। बादाम विशेष से हो जाएगा। इनमें से लेते हैं राम, अच्छा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तीसरा मौसमी खट्टी है। कैसी है? खट्टी है। खट्टी क्या हो जाएगी आपकी? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो रूप, रंग, गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का जो बोध कराते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उनको तो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कई लोग, कुछ लोग। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, तो उन्हें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। तो परिभाषा लिखते हैं संख्यावाची विशेषण की। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहती है। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी कैसी?
संख्या से संबंधित जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ये संख्यावाची विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये संख्यावाची विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची। ये यही लिख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक निश्चित संख्यावाची, जैसे 1, 4, 20, 1, 4, 20, और अपन ले सकते हैं निश्चित नहीं, दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। ध्यान, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, एक निश्चित है, दूसरा निश्चित है, चौथा निश्चित है, आधा ये भी निश्चित है, 2 गुना ये भी निश्चित है, 2 गुना। तो ये जो शब्द होते हैं आदि, ये जो शब्द होते हैं, ये निश्चित संख्यावाची शब्द होते हैं। भाई 1 निश्चित है, 4 निश्चित है, 20 निश्चित है, दूसरा निश्चित है, चौथा भी निश्चित है, आधा भी निश्चित है, 2 गुना भी निश्चित है। कितने गुना है? 2 गुना, ये सब निश्चित है। तो ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा भेद उपाय इसमें है निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, ये वे शब्द होते हैं, ये संख्यावाची शब्द होते हैं जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कई, अब कई में क्या, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ की भी निश्चित मात्रा नहीं है, बहुत तो थोड़े, इनकी निश्चित मात्रा नहीं होती है। तो ये जो शब्द होते हैं, लेकिन ये शब्द है सब संख्यावाची, कई संख्या के लिए उपयुक्त होता है। कुछ लोग, कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब बहुत सारी भीड़, अब उसमें हमें ये नहीं पता 10 है 20 है 50 है। थोड़े व्यक्ति, अब वहां खड़े 4 व्यक्ति, तो अपन ने कह दिया थोड़े व्यक्ति, लेकिन निश्चित नहीं पता है कि 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कई है, कुछ है, बहुत है, थोड़े हैं, ये सब संख्यावाची तो है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहे जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा विशेषण, तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक
विशेषण। देखो संख्या अलग है होती है, उसमें संख्यावाचक विशेषण से परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल, नाप तोल। तो इसमें या तो तोल से संबंधित विशेषण, तोल से संबंधित जो शब्द होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे, या नाप से संबंधित जो शब्द होते हैं वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप और तोल से संबंधित विशेषता बतलाते हैं, या नाप तोल से संबंधित संख्याओं का बोध कराते, नाप तोल से संबंधित विशेषण, सॉरी, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो ध्यान रहे परिमाणवाचक में क्या होता है, नाप तोल से संबंधित होती है। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं प्रकट करते हैं या विशेषताओं का बोध कराती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। कहते वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल से संबंधित विशेषताओं को प्रकट करते हैं या नाप तोल से संबंधित विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित नापों से संबंधित निश्चित संख्याओं का बोध कर, निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें तो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं, और जो निश्चित नापों से संबंधित निश्चित व्यवस्था को प्रकट नहीं करते उन्हें अनिश्चित में रखते हैं। तो इसमें आगे लिख लीजिए परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे 2 मीटर, 4 किलो, मीटर की जो मीटर जो और ये जो होते हैं गज मीटर, ये सब नाप से संबंधित होते हैं। तोल से 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 4 किलो, 6 किलो, 1.25 किलो, ये जो निश्चित माप का या निश्चित तोल का बोध कराते हैं इन्हें अपन कहते हैं निश्चित परिमाणवाची। और कई किलो कुछ कपड़ा, तो इस प्रकार के जो निश्चित का बोध नहीं कराते हैं, जहां हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कितनी मात्रा निश्चित है, जहां हमें मात्रा की निश्चितता का बोध नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण के ऊपर सॉरी परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हुए, दो भेद हुए। जिस प्रकार संख्यावाची के होते थे उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हुए, दो हुए।
देखते हैं। नंबर एक, निश्चित परिमाण वाला। दूसरा कौन सा होगा? एन। परिमाणवाचक। सबसे पहले देखते हैं अपन परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हमने देखे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित के अंतर्गत देखते हैं, जैसे दो के लिए 4 मीटर कपड़ा, उसमें 4 मीटर, 1 केजी दूध, इसमें क्या कहलाएगा? 1 केजी क्या कहलाएगा? 1 केजी क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कि नाप तोल से संबंधित जो शब्द होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो उनमें अपन को ये देखना है कि निश्चित नाप तोल का बोध करा रहे हैं, 2 केजी दूध, 4 मीटर कपड़ा, 1 केजी दूध, 3 लीटर पानी। तो हमें अभी निश्चित बोध करा रहे हैं, पानी कितना है? 3 लीटर है। दूध कितना है? 2 केजी है। कपड़ा कितना है? 4 मीटर है। दूध कितना है? 1 केजी है। हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, 4 गज, 4 गज, इसको हिंदी में लिख लीजिए, 4 गज जमीन। तो जमीन की कितनी है? 4 गज। तो इस प्रकार जब निश्चित मात्रा का बोध होता है तो वह होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वही है, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, ये ऐसे शब्द हैं जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते। ठीक, और लिख लीजिए, जरा सा, जरा सा दूध, ज्यादा पानी, कम दूध, कम पानी। इस प्रकार जो ये शब्द होते हैं, थोड़ा बहुत, तो ये क्या है? अनिश्चित शब्द है, अनिश्चित मात्रा का बोध करा रही है। अनिश्चित जब मात्रा का बोध ये शब्द करा रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों एक बार मैं पुनः दोहरण करा देता हूँ। सबसे पहला हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, इसमें रूप, रंग, गुण, दोष आदि संबंधित विशेषताओं को जो शब्द प्रकट करते हैं वो गुणवाचक के अंतर्गत आए। दूसरा हमने पढ़ा संख्यावाची विशेषण, जिसमें वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उन्हें फिर हमने पुनः दो भागों में बांटा, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। फिर हमने पढ़ा उसमें संख्या संबंधी विशेषता होती है। फिर तीसरा हमने पढ़ा है सॉरी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल से संबंधित विशेषताएं प्रकट होती हैं। इसको भी दो भागों में बांटा है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित नाप तोल से संबंधित कोई विशेषता प्रकट हो रही है तो निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगी, और यदि नाप तोल से संबंधित संख्या जो है वो अनिश्चित है तो उन सब ऐसे ऐसे शब्द जो अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं तो उन्हें अपन कहते हैं अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण।
धन्यवाद।